सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो में। जो तो वापस आ चुके गाइज हम लोग जो है कि और एक न्यू मॉडर्न टेस्टिंग वीडियो लेकर। तो आज गाइज आज हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक एक आइटम यहाँ पे अनलॉक करने वाले हैं, तुम लोग को ऑब्वियसली पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, पर्सनल वाले में जो है एक एलिमेंटल वाला एक इवेंट था, उसी में गाइज हम यहाँ पे जो कुछ किल विल किए थे, तो यहाँ पे हमको ब्लैक क्रेट और यहाँ पे लेजेंडरी क्रेट यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल रहा था। तो इसी में से गाइज देखो हम आज यहाँ पे क्या ओपन करने वाले। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्लैक क्रेट है ये नॉर्मल वाला ब्लैक क्रेट है, लेजेंडरी ब्लैक क्रेट नहीं है। तो ये ओपन किया तो भाई हमको 910 टोकन मिल गया अर्ल जो क्रेब है तुम्हारा उसका, लेकिन पाको का टोकन यार हमको मिलता ही नहीं है भाई, मेरा लक एकदम ख़राब है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे अनलॉक कर लेंगे और यहाँ पे जो किप लूट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको अर्ल का टोकन मिल गया इसलिए हम यहाँ पे इसको किप लूट कर लेने। तो हो सकता था हम इसमें जो है जेम्स हम और लगा सकते थे, बट कोई ना भाई। उसके बाद जो है तुम यहाँ पे देख लो, ब्लैक क्रेट तो ओपन कर दिया ना, अब यहाँ पे लेजेंडरी वाला जो क्रेट है अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गाइस कुछ ग्लिच हो गया था कि मतलब हमको जैसे कि चेस्ट ओपन करने के लिए जो हमको बैक करना पड़ता था, गेम को बैक करके यहाँ पे ओपन करते थे, तो जाके यहाँ पे जो मेरा दोनों चेस्ट ओपन हुआ। जैसे देखो अब हम यहाँ पे जो फिर से मतलब गेम को बैक किया, उसके बाद हम उसको ओपन किए, तो पता नहीं भाई कुछ ना कुछ बैग वैग हो ही जाता है ग्लिच व्लिच, तो इसी की वजह से जो यहाँ पे जो है चेस्ट को ओपन करने में प्रॉब्लम हो जाता है जो हमें। तो उसके साथ ही गाइज हम लोग यहाँ पे जो अब इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे देखो भाई हमको अच्छा खासा गोल्ड मिला 41,000, लेकिन गाइज हम यहाँ पे सोच रहे थे कि मेरे पास थोड़ा जेम्स है, जेम्स को क्यों नहीं उड़ाया जाए और साथ में कुछ ऐसा आइटम निकाले जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तो तुम लोग देखो गाइज हम अभी कौन सा आइटम यहाँ पे निकालने वाले, तुम लोग को पता चल ही गया है, लेकिन तुम यहाँ पे देखो हम कैसे निकाले। यहाँ पे हम जेम्स को उड़ाए, जितना जेम्स था लगभग हम उड़ाते गए और यहाँ पे डीरोल करते गए। और हमको जो एक पांडा वाला कैरेक्टर भी मिला था तो वो हम बताना भूल गए थे, वो अनलॉक किए थे लेकिन तुम लोग को हम बताना भूल गए थे कि भाई पांडा वाला जो कैरेक्टर है वो न्यू कैरेक्टर हमको मिला था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमको यहाँ पे बहुत सारा जो मतलब कुछ कुछ यहाँ पे अच्छा अच्छा आइटम मिला। और यहाँ पे देखो एक पांडा का जो है यहाँ पे हमको क्या बोलता है ये वाला भी मिला जो रॉकेट टाइप का जो आइटम है, इसका क्या नाम है नाम ही भूल जाते हैं, लेकिन हमको ये सब आइटम में कुछ नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पे इसको फिर से रीरोल किए, तो रीरोल करने पे भाई यहाँ पे देखो हमको इंटू टू मल्टीप्लाई टू जो है फिरोमैन वाला जो आइटम है ओली का जो पांडा कैरेक्टर है भाई, उसमें हमको मल्टीपल टू यहाँ पे हमको मिल चुका भाई। हम तो भाई ये सोचे भाई क्या ही मतलब मेरा लक है। एंड उसके साथ ही कहीं यहाँ पे कीप लूट कर लें, क्योंकि भाई यहाँ पे फिरोमैन आइटम यहाँ पे निकालना आम बात नहीं है। तो इसके साथ ही गाइज हम लोग यहाँ पे आज खेलने वाले हैं ओली वाले जो कैरेक्टर है इसके साथ, पांडा वाले के साथ खेलने का। और इसका एबिलिटी है क्या कि गाइज ये मतलब जहाँ भी घास रहेगा जंगल टाइप से, तो ये अपना एक्टिव एबिलिटी यूज करके वहाँ पे जो है घास में एक्टिव एबिलिटी यूज करेगा, तो उसका थोड़ा सा हेल्थ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गाइज एकदम स्लो कैरेक्टर है, तुमको अगर हम बता दें भाई बहुत स्लो कैरेक्टर है, तो इसमें फिलहाल यहाँ पे जंगल सूज लगाना जरूरी है, लेकिन मेरे पास जो इसका टोकन नहीं है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जो इसको जितना भी हो एक यहाँ पे एक स्लॉट खुल जाएगा जिसमें कि हम यहाँ पे इसका जो फेरोमैन वाला जो आइटम है जो कि हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि गाइस तुमको पता होगा जो लोग जुआ खेलते हैं फेरोमैन आइटम कितना खतरनाक है, अगर तुम फेरोमैन आइटम के साथ अगर तुम एक्टिव स्किल यूज करोगे कोई भी कैरेक्टर का, तो सामने वाला अपोनेंट का जो है सब कुछ थोड़ा देर के लिए जो रोक देता है, कुछ देर जितना उसका कूल डाउन होता है उतना देर के लिए यहाँ पे रोक देता है। और वो भी हमको जो है यहाँ पे पांडा का जो है गुना दो यानी कि मल्टीपल भाई दो गुना यहाँ पे हमको मिला हुआ है पांडा का यहाँ पे हमको इसका फेरोमैन का आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे भाई पांडा ही बोलेंगे ना, इसका नाम रखा है ओली हैप्पी ओली लोली नाम रख दिया है, लेकिन इसका देखने में तो लुक एकदम फुल्ली पांडा ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे पांडा ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक स्लॉट मेरा ओपन हो जाएगा क्योंकि जितना टोकन देगा उतना ही, तो अच्छा खासा भाई चलो ठीक है। यहाँ पे फेरोमैन आइटम यूज़ करने के लिए कम से कम लेवल 3 हो गया, तो यहाँ पे हम फेरोमैन इसका आइटम यूज़ कर पाएंगे। और उसके साथ ही गाइस यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो जंगल सूट, भाई जंगल सूट लगाना इसके साथ बहुत जरूरी क्योंकि ये काफ़ी स्लो चलता है और अभी जंगल वाला कैरेक्टर ही है, तो जंगल में तो कम से कम जो है पांडा हमको जंगल सूट लगाते तो बहुत बढ़िया है। गाइस इसमें एबिलिटी क्या क्या है हम तुमको डायरेक्ट हम बताते हैं कि अगर तुम इससे अगर कोई एनिमी को मारोगे तो ये मारने के साथ ही थोड़ा सा पीछे मतलब घसक जाता है, मतलब पीछे के साइड चला जाता है थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो इसके साथ गेम प्ले करने वाले हैं, और तुम लोग कमेंट में मुझे बताना कि पांडा का ये मतलब ओली के तुम लोग में से मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर बहुत लोगों के पास है। और तुम लोग यहाँ पे जो इसका एक्टिव एबिलिटी पैसिव एबिलिटी जो भी देखना तुम यहाँ पे देख सकते हो। और फिलहाल मेरे पास टोकन नहीं है, नहीं तो हम इसका प्राइमरी स्टेट का भी गेम प्ले तुम लोग को दिखा देते हैं, बट कोई ना चलो अब हम लोग यहाँ पे गेम में आ जाते हैं। और अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पांडा कैरेक्टर ले लिए हैं, और यहाँ पे जो है देखो इसका गेम प्ले किस तरह से हम यहाँ पे कर पाते हैं। एंड इसमें है क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है तुम इसका जो है ये बो है, बो का इसका रेंज थोड़ा अच्छा खासा लंबा है। यहाँ पे देखो ये जो है लेवल 1 का अपोनेंट मिला, यहाँ पे क्रेब जो है लेवल 1 का मिला है, और भाई इसको यहाँ पे डैमेज दे रहे हैं
और यहाँ पे भाई जंगल जंगल में जाके जो हम अपना हेल्थ बढ़ा सकते हैं। तो तुमको अभी इसका दिखाते हैं यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा खेल, अभी जो मेरा ये कम लेवल है और साथ में जो जंगल से नहीं लगा है तो इसको खेलने में काफ़ी कुछ स्लो मोशन यूज़ हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे जो ना एक्टिव एबिलिटी यूज़ किया है तो मेरा थोड़ा सा हेल्थ भी बढ़ गया क्योंकि हम यहाँ पे जंगल में यानी कि घास वास में ग्रास में हैं तो इस वजह से, और साथ में जो यहाँ पे जो है गार्ड को जो है कुछ देर के लिए हम रोक भी दिए। और यहाँ पे देखो मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दिया भाई, हम कर क्या रहे हैं यहाँ एकदम, मतलब हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिव एबिलिटी तुमको देखो तुम्हारा जो फेरोमोन आइटम तभी वर्क करेगा जब तुम किसी भी एनिमी के पास जाके जो है ना जितना उसका रेंज है एक्टिव एबिलिटी का तो उतना का रेंज में अगर तुम जाके अगर वहाँ पे अपना एक्टिव एबिलिटी यूज करोगे। देखो अब ये यहाँ पे रुक गया और इसको मैं अभी मार भी दिए और तभी से यार गार्ड हमको मार मार के जो है मेरा पूरा डैमेज कर दिया। और उसके साथ ही यहाँ पे देखो गोल्डन वाला बम भी ग्रेनेड मिल गया और यहाँ पे देखो लेवल वन का यहाँ पे भाई एक ही झटका में मर गया, एक ही झटका मारे और ये मर गया। और यहाँ पे ये चिंपांजी मेरे पास कुत्ते आ रहा है, अभी सब लेवल वन का ही है तो ये लोग कूदेगा ही, इसको यहाँ पे देखो हम डैमेज देंगे। देखो काफ़ी दूर जाता है इसका जो बो का डैमेज है ना, जैसे हम किसी को मारते देखो बम पे गए तुरंत पीछे हट गए, थोड़ा जैसे हमारे वैसे थोड़ा सा जो है ना पीछे जस्ट पीछे मतलब मारने के साथ थोड़ा पीछे हो जाता है। तो ये वाला इसमें एबिलिटी दिया हुआ है और यहाँ पे जो है अपना मेडिकिट एक्स्ट्रा मिल गया तो यहाँ पे एक मेडिकिट को हटा लिया, वेस्ट कर लिया। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे एक मेडिकिट और हम यहाँ पे डबल मेडिकिट हो चुका है और यहाँ पे ये शील्ड वाला भी मिल गया तो हम अपना शील्ड भी बढ़ा लिया। और देखते हैं भाई यहाँ पे ये वाला मैच निकाल पाते या नहीं, देखने वाला बात होगा। तो वैसे तुम लोग ऐसे कमेंट में बताना कि तुम लोग को ये पांडा वाला कैरेक्टर ओली जो है ये कैसा लगता है। तो मेरे को भाई ठीक ठाक, उतना भी तुम जो बोलोगे सुपर उतना भी सुपर नहीं बट जितना भी है अपने हिसाब से ठीक ठाक कैरेक्टर है। और अभी हम लोग यहाँ पर जो है देख रहे हैं एनिमी कितना है, 11 एनिमी बचा हुआ है और साथ में हम एक हैं तो मतलब 10 एनिमी बचा हुआ है। तो यहाँ पर अभी एक इवेंट भी चल रहा है लेकिन हम इवेंट ही खेल रहे हैं ना, इवेंट ही खेल लेगा जी यहाँ पे जो चल रहा है, लेकिन ये इवेंट तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा जब तक हम यहाँ पे वीडियो लाएंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे भाई लेवल वन का ये देखो यहाँ पे आ गया, इसको भी मार देंगे ब्रूस को, गोरिल्ला वाला जो कैरेक्टर है चिंपांजी गोरिल्ला जो भी बोलो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेडिकेट उठा लेंगे और यहाँ पे जो है स्पेयर को भी यहाँ पे उठा लेंगे। और अब चले हैं भाई एकदम इसमें इसका इसको लेवल, जब हम थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ भाई इसका अगर कुछ न्यू स्किन आएगा ना इस वाले ओली वाले कैरेक्टर का तो भाई इसके साथ ज़रूर गेम प्ले करेंगे अच्छा खासा। और साथ में जो है इसका न्यू स्किन के साथ भी गेम प्ले करेंगे अगर कुछ न्यू स्किन निकलता है, जल्दी आ सकता है जहाँ तक लगता है ओली का जो कुछ न्यू स्किन आ सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी ये लोग करेगा जल्दी। और यहाँ पे जो है ये मगरमच्छ वाला कैरेक्टर भाई मेरा एम सटीक एम नहीं जा रहा है, अगर तुम अच्छा से एम लेके मारोगे इससे तो डैमेज बहुत गंदा पड़ेगा सामने वाले को। और यहाँ पे भाई ये कितना भाई लेवल 5 का यार निक्स है यार, अरे यार भाई मेरा हेल्थ कम कर दिया, ये हमको मार देगा जहाँ तक है चांस हमको नहीं मिले। भाई यहाँ पे डबल वेम्पायर टी दिख क्या भाई क्या लगा दिया था पैर में जकड़ गए भाई यहाँ पे मार। और भाई ये बंदा वो देखो अच्छा खासा 12 किल कर दिया था भाई, लेवल 5 का था निक्स। और ये थोड़ा सा स्लो मोशन टाइप कैरेक्टर है तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो यहाँ पे फेरोमोन वाला आइटम निकला तो इसलिए हम यहाँ पे इसका गेम प्ले यहाँ पे कर रहे थे। और ये वाला इवेंट है तो आई थिंक यहाँ पे जब तक मैं तुम लोग के पास यहाँ पे वीडियो लाएंगे तब तक मैं शायद ये वाला इवेंट खत्म भी हो सकता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे चलो अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक डब्बा यहाँ पे लगा दिए हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर चुके हैं। और उसके साथ ही गाइस यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इमोट यूज कर दिए हैं, स्टिकर हंसने वाला और यहाँ पर गुस्साने वाला दोनों स्टिकर यहाँ पे यूज कर दिए हैं। और यहाँ पे देखो ये इडना वाला कैरेक्टर है ये भी यहाँ पे अपना एकदम हंसने वाला यहाँ इमोट यूज कर रहा है स्टिकर। और अब यहाँ पे पांडा चल रहा है एकदम धीरे धीरे चल रहा है टुबरुक भाई सही बताते हैं, अगर इसके सामने अगर कोई केली आ जाएगा या सूजी वाला कैरेक्टर आ जाएगा तो पांडा का टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई। इसका बस एक ही चीज़ है कि ये थोड़ा दूर से मार सकता है, जितना ये दूर में रहेगा दूर से मारो भाई इसका रेंज बहुत खतरनाक है। और अगर कोई भी मारता है तो यहाँ पे जो है घास में जो अपना इसका एक्टिव एबिलिटी यूज करके तुम उससे मेडिकेट ले सकते। देखो यहाँ पे इसको डैमेज दिए, बो का ये रेंज काफ़ी अच्छा खासा है जो कि यहाँ पे डैमेज बहुत गंदा पड़ जाता है कोई भी सामने वाला एनिमी होता है और जैसे ही मारेंगे वैसे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो ये कुछ अजीब लगा हमको इस वाले कैरेक्टर में जो इसका एबिलिटी है। और अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे ये लोग का अच्छा खासा फाइट हो रहा है और हम यहाँ पे बीच में फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन हमको किल नहीं मिल रहा भाई यार, इतना मतलब इतना डैमेज दे रहा है लेकिन फिर भी हमको किल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे मेडिकेट उठा लेंगे और ये गार्ड है, गार्ड मर जा भाई गार्ड,
गार्ड गार्ड को भी यहाँ पे हम बम फेंके, लेकिन सही सही दिशा में यहाँ पे हम बम नहीं फेंक पाए। और यहाँ पे जो है देखो हम यहाँ पे फेरोमोन का आइटम यूज किया, और ये जो ड्यूक है लायन वाला कैरेक्टर से कुछ देर के लिए रोक दिए थे भाई। एकदम चीकू चीकू लोग अपोनेंट आया है यहाँ पे, और मतलब जितना भी एनिमी है सब जो एकदम न्यू न्यू एनिमी है, इसलिए सबका लेवल वन है, लेवल वन है, और मेरा सिर्फ लेवल थ्री है। तो उसको यहाँ पे मार रहे हैं, अरे यार क्या एम। और यहाँ पे भाई ये मगरमच्छ मार दिया शायद इसको, कौन मारा पता नहीं। चलो ये डिब्बा जो छिपने वाला ये हम उठा लेंगे, और यहाँ पे हमको भाई कोई डैमेज दे रहा था ये मगरमच्छ वाला कैरेक्टर नहीं, ये जो है ये जिराफ वाला कैरेक्टर है पेपर, ये मारा था उसको शायद उसी के टाइम में। और यहाँ पे अब जो है अब यहाँ पे हम डैमेज देंगे बम से, ग्रेनेड से। और चलो 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 यहाँ पे डैमेज दिया ग्रेनेड से, और उसके बाद जो है फिर से हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं भाई। यहाँ पे हेल्थ कम है और एक भी किल नहीं हुआ है, हम यहाँ पे बहुत को डैमेज दिया लेकिन किल एक भी नहीं मिला है यार। मतलब थोड़ा सा अजीब यार टाइप से मतलब लग रहा है भाई ये वाला करेक्टर जो है ना, इसको टोकन हमको चाहिए। टोकन अगर इसका ज़्यादा मिल रहा है तो भाई खेलने में इसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर डैमेज दिए यहाँ पे एक क्रोकोडाइल डोना वाला जो करेक्टर है, इसको डोना को यहाँ पर डैमेज दिए, और यहाँ पे एक मेडिकेट सॉरी एक ग्रेनेट उठा लिए। और हम यहाँ पे जो फिर हम मेन आइटम का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव एबिलिटी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आइटम यूज हो जाएगा। और ये डोना एकदम घूम रहा है, वैसे कोई डर ही नहीं है मेरा, इसको लेवल थ्री है वैसे कोई डर नहीं है। देखो डैमेज पड़ गया, ये मेडिकेट था इसलिए यहाँ पर ये हीरो बन रहा था। और मेरा हेल्थ बहुत कम है भाई, और मेडिकेट भी मेरे पास ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर भाई लेडी वर्सेस डोना हो चुका है, और यहाँ पर भाई यार एक 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 शॉट लगेगा तो हम यहाँ पे मैच निकाल सकते हैं भाई। मेडिकेट 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 मिल गया भाई, मेडिकेट फटाफट मारो नहीं तो हम चल जाएंगे। तो ये रहा अपना मेडिकेट, चलो भाई मेडिकेट ले लो। और भाई यहाँ पे देखो ये याड़ा मेरे से कितना खतरनाक यहाँ पे फाइट ले रहा भाई, याड़ा भाई याड़ा भाई भाई मेरा हेल्थ यहाँ पे गए, ये वाला मैच भी चल जा सकते भाई चांस ने। और ये जो है मतलब हील करते जा रहा है, और यहाँ पे गया है गाइज, क्या ही यार सीन था, क्या ही मैच था भाई। भाई ओनली दो किल किए लेकिन ये वाला जो है गेम प्ले बहुत खतरनाक हुआ। तो तुम लोग ऐसे कमेंट में बताना फेरोमोन आइटम तुम लोग को ओली कैरेक्टर के साथ कैसा लगता है, और भी कोई बात हो कॉन्टेक्ट ऑन डिस्कॉर्ड।